ये सुनने में कितना अजीब होगा कि एक आईआईटीएन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को डील करता हो। आपने दर्जनों आईआईटीएन को मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा होगा, जिस इस नीरस सब्जेक्ट को जब एक आईआईटीएन अपने हाथों से छू लेता है तो उसकी सुगंधी दूसरी होती है। ऐसे हमारे प्रभात रंजन आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, और हाँ, इन्होंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट में 75 बच्चों के आईआईटी एडवांस के बैच में 45 बच्चों का सिलेक्शन दिया है, और इनकी सेवाएं अब डीएस साइंस एकेडमी में मिलना मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को उस लेवल पर तैयार कर देना जहां इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज जिस लेवल पर स्टैंड करती हूं। तो मैं शुक्रगुजार हूं प्रभात रंजन सर कि आपने डीएस साइंस एकेडमी को लंबी अवधि के लिए कर्मस्थली के रूप में चुना है, और जिस मिशन के लिए डीएस साइंस एकेडमी कार्य कर रहा है, आप जैसी प्रतिभाओं का यहां होना निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और खुद इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गौरवमयी करने वाले पल हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की जिम्मेदारियों के साथ साथ एचओडी ऑफ केमिस्ट्री रहते हुए सर ने बहुत लंबे अरसे से बच्चों को पढ़ाया, अपने सब्जेक्ट को डिलीवर किया, और जैसा कि अभी उमेश सर ने बताया, एक अद्भुत रिजल्ट दिया। 75 में से 45 स्टूडेंट्स को आईटी एडवांस्ड एग्जाम में क्वालिफाइड कराना बहुत बड़ी बात है। आज डीएस साइंस एकेडमी में हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आईआईटीएन श्रीमान प्रभात रंजन सर जो है सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो मैं श्रीमान रंजन साहब से जानना चाहूँगा कि ये बच्चों को केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इतनी बड़ी संख्या के रूप में एक तो सिलेक्शन कराने का जो आपका पहले का रिकॉर्ड है, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में इतना इसको जो है कॉन्सेप्चुअली इतना मजबूत बना देना कि बच्चा इतना अच्छा स्कोर करे, रिजल्ट्स दे, तो ये कैसे हो पाता है सर? बच्चों के लिए क्या एक खास संदेश हम देना चाहेंगे? तैयारी कराते वक्त हमेशा हम लोग एक बात ध्यान में रखते हैं कि खास करके एडवांस एग्जाम की तैयारी के लिए, कि वो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है जी, जी उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंड की ट्रेनिंग है। माइंड की ट्रेनिंग, और माइंड जो है उसके सोचने का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए, और उसको बढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि सनही सनही स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप जो डेफ्थ है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको आप बढ़ाते चले, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते चले नए नए आइडियाज से, उनको जो है सो सब्जेक्ट में गोते लगाने क्या, और इसके बाद तब जो है एक बार बच्चा महसूस कर लेता है सब्जेक्ट मैटर को, फिर उसका जो टीचर पर डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाता है और तब इसके बाद वो एडवांस एग्जाम के लायक हो जाता है। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को इस लेवल तक ले जाए कि वहाँ पर जाने के बाद उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, ये आत्मविश्वास आ जाए कि अब हमको हमारे सर की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, केमिस्ट्री में इतना खो जाना कि अब हमें अपने सर की आवश्यकता नहीं है, क्या बात है। जब ये हो जाता है बच्चों में तब हमें लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी। क्या बात है? एक संस्था के लिए एक ऐसा कोहिनूर, ऐसा डायमंड मिलना बहुत गौरवमय बात होती है। जो नीट में फिजिक्स की एक महाधुरंधर फैकल्टी है, यहाँ पर हम सभी लोग जो है गूगल ऑफ द बॉटनी कहते हैं सर को, केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस में अपनी नीट लेवल हो, जेई लेवल हो, सब में दक्षता हासिल है। एक विद्वान जिसके आगे सब्जेक्ट की गहराई दम तोड़ देती है, और ये दावा है हमारा आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रिजल्ट्स हमने दिए हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। डीएस साइंस एकेडमी का दूसरा नाम श्री आशुतोष कुमार वर्मा सर है।